आप देख रहे हैं P20 न्यूज। लुधियाना के दक्षिणी हलके में ग्लोबल स्पार्क कन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन हुआ। स्कूल के डायरेक्टर सुरेंद्र सिंगला, MD अनीता सिंगला, प्रिंसिपल ऋतु शर्मा, शुभम सिंगला, विकास गर्ग, नेहा गर्ग ने बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा के साथ साथ अन्य कार्यों के बारे में भी बताया और कहा कि गरीब और होनहार बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। लुधियाना से लक्ष्मी बड़ोनी की रिपोर्ट। जी बताएं आप। मैं सुरेंद्र कुमार सिंगला, मैनेजिंग डायरेक्टर ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल, CBSE दिल्ली बोर्ड से एफिलेटेड, टू बी एफिलेटेड। मैं ये चाहता हूँ कि भी मैं अपने स्कूल में अच्छी क्वालिटी और एजुकेशन के साथ में कट फीस और बढ़िया स्ट्रक्चर, बढ़िया बच्चों के लिए गेम वगैरह, अच्छी नॉलेज और हेल्थ के बारे में मैं बता सकूँ, कर सकूँ। मेरा मोटिव यही है कि भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत जरूरी है और अच्छे टीचर, क्वालिफाइड टीचर। जी आप इसी स्कूल में? हाँ जी। जी बताइए आप इसके स्कूल के बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, ये इनके जो फाउंडर हैं मिस्टर सुरेंद्र सिंगला हैं, इन्होंने हमारे पहले भी 4 पंजाब बोर्ड स्कूल चल रहे हैं, अब हमने एक CBSE स्कूल स्टार्ट किया है ग्लोबल स्पार्क कॉन्वेंट इंटरनेशनल के नाम से। यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी दे रहे हैं बच्चों को, ताकि जो बच्चे दूर परे से, जो पेरेंट्स गरीब हैं, जो नहीं पहुंच सकते यहाँ तक, उनको हम बसेस की फैसिलिटी दे रहे हैं ताकि वो यहाँ पर इजीली यहाँ पर बच्चों को पहुँचा सकें और एजुकेशन प्राप्त कर सकें। जो गरीब बच्चे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे, जो मतलब ऐसे फीस भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे? हमारे लिए देखो, यहाँ पे इस एरिया में पहले ही 3-4 CBSE स्कूल चल रहे हैं, हमने उन सबसे एक ऐसा क्राइटेरिया रखा है कि गरीब बच्चों के लिए हम अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे सकें कम से कम फीस के अकॉर्डिंग। क्या नाम है मैडम? ऋतु शर्मा। जी आप बताएं क्या प्रोग्राम है आज, किस चीज़ क्या सारा बताया आपको? मैं ये बताना चाहती हूँ कि ग्लोबल स्पार्क्स कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल, ये लोहारा रोड में MJK नगर में नया CBSE स्कूल ओपन हो रहा है और ये +2 तक CBSE है और यहाँ के जो एरिया के लोग हैं उनको अकॉर्डिंग हमने यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो इतना लेस रखा हुआ है कि सब तक जो है एजुकेशन पहुँचे। जैसा कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी है, उनका जो मेन फोकस है वो एजुकेशन के प्रति है, तो हम भी उनके पदचिन्हों पर चलते हुए चाहते हैं कि जो आम जनता है उस तक जो शिक्षा है वो प्राप्त हो और साथ हम अपने स्कूल में बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी पूरा फोकस करेंगे और बहुत सारी ऐसी हॉबी क्लासेस लगाएंगे जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। इसके अलावा जो बस फैसिलिटीज़ हैं वो भी हम अफोर्डेबल प्राइसेस में पेरेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ ये बताएं कि आपके वहाँ स्टाफ कितना है, जो टीचर हैं आपके वो कितने वेल क्वालिफाइड कितने हैं? सर जितने भी हमारे यहाँ पर स्टाफ मेंबर्स हैं, पहले मैं उनकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बता दूँ कि ऑल टीचर्स विल बी BEd, ट्रेन टीचर्स विल बी अपॉइंटेड एंड मोर ओवर 15 जो टीचर्स हैं वो हमारे स्टाफ में हैं, दे आर वेल ट्रेन। आम आदमी पार्टी के जो हल्का विधायक हैं उनका सहयोग आपको स्कूल के लिए क्या है? वो तो हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं, अभी आज हमने जो यहाँ पर छोटा सा इनॉग्रेशन फंक्शन रखा है उसमें भी वो आज यहाँ पर प्रस्तुति देंगे। आप क्या जो है गाइडलाइन देना चाहेंगे बच्चों के बारे में, आगे स्कूल के बारे में, कि जो है क्या फोकस रहेगा आपके लिए? सर मेरा मेन फोकस ये रहेगा, जैसे जो आजकल बच्चे जो हैं वो फिजिकली बहुत वीक हो रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो रही है, तो पढ़ाई के साथ साथ हम जो स्पोर्ट्स है उस पर भी पूरा फोकस करेंगे ताकि बच्चे जो हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकें। इसके अलावा उनको हेल्थ के रिगार्डिंग भी बहुत सारी गाइडलाइंस दी जाएंगी कि वो किस तरह से पौष्टिक आहार लें, कौन कौन सी खेलें खेलें ताकि वो तंदुरुस्त रहें। क्या नाम है मैडम आपका? मैं मिसेज अनीता सिंगला, चेयरपर्सन ऑफ द स्कूल। हमारे स्कूल की जो फाउंडेशन है वो रखी ही इस बेस पे गई है कि इस एरिया में भी अच्छी शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड कराई जा सके और कम से कम फीस स्ट्रक्चर के ऊपर। और जो चीज़ें मैंने अभी तक अपने एजुकेशन लाइन 20 साल के एक्सपीरियंस में सीखा है कि यहाँ पे बच्चों को किताबी कीड़ा ही बनाया जाता है, पर एक प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं दी जाती।
अब हम जो नवी हमारी गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP के अकॉर्डिंग हम ये स्कूल चलाएंगे, जिसके अंदर हम लोग बच्चों का जो रुझान है वो किस तरफ है, शुरू में ही इस चीज़ को भागते हैं उसी फील्ड के अंदर हम बच्चों को तैयारी कराएंगे। जैसे बच्चों का पता चल जाता है, हर पेरेंट्स को पता चलता था कि हमारा बच्चा क्या बनना चाहता है, वो इंजीनियरिंग में या मेडिकल लाइन जैसे चाइना के अंदर है, शुरू से ही बच्चों को 2 साल से ही बच्चों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर देते हैं कि बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन बनेगा, वो मेडिकल लाइन में जाएगा या वो ऑटोमोबाइल लाइन, कुछ भी मतलब बच्चों की ये इस सब्जेक्ट के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा कि बच्चों को शुरू से ही इस चीज़ के लिए ट्रेन करा जा सके कि वो 10th में जाके अपना फ्यूचर ना सेट करें कि भी मैंने मेडिकल लेना है, कॉमर्स लेना है या नॉन मेडिकल लेना है या आर्ट्स लेना है। बच्चों के हॉबी के अकॉर्डिंग हम 6th क्लास से उसको पूरा प्रिपेयर करा देंगे कि वो बच्चा अपनी लाइफ में आगे उसी फील्ड में कामयाब हो।